क्या आप लोगों ने नाले बाग का नाम सुना है? नाले बाग का मतलब होता है कल आना। सन 1990 में कर्नाटक में यार सब लोग अपने पल्ले के पीछे यानी जो गेट रहता था उसके पीछे लिखते थे नाले बाग, यानी नाले बाग का मतलब कल आना। ऐसा क्यों लिखते थे? लिखने के पीछे रीजन क्या था उनका? नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो पूरा देखो, अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप वीडियो देखो, क्योंकि नाले बाग इस वजह से लिखते थे, उस टाइम उधर एक ऐसी दहशत फैली थी कि रात के समय में चुड़ैल घूमती है उधर। हाँ, चुड़ैल घूमती है रास्ते पे, और जिसके दरवाजे पे नहीं लिखा रहता। हाँ, और परिवार के सदस्य की आवाज पुकारती है, समझ रहे हो? यानी किसी की आवाज, घर में कोई भी है उसी की आवाज में आपको बुलाती है। और जो भी दरवाजा खोलता था उसके बाद वो कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि वो कहाँ चल जाता किसी को भी नहीं मालूम था। इस आत्मा को किसी पत्नी की चुड़ैल माना जाता है, जो कि अपने पति की तलाश में हर जगह हर घर पे जाती और देखती थी। हाँ हाँ, हर जगह अपने पति की तलाश में ये है। और इसी वजह से नाले बाग सभी लोग अपने दरवाजे के पीछे लिखते थे, जिसके वजह से नाले बाग का मतलब कल आना, यानी कल आने का मतलब वो देखती उसके बाद कल आती थी, कल भी यही लिखा रहता था, यानी डेली ऐसा ही होता था। अगर आप लोगों ने स्त्री देखा होगा तो उसमें आपको सब चीज़ मालूम हो गया होगा, सेम वही कहानी है, लेकिन ये रियल है। हाँ, रियल कहानी है, इसमें कोई भी आपको बना के नहीं बताया जा रहा है। वो डेली ऐसे ही चलता, और डेली वो अगर जिसके घर पे नहीं लिखा रहता था वो उसके घर से कोई ना कोई तो गायब होता ही था। तो गाइस आप बताना, आप ऐसा कभी सुने हो असलियत में कि हो सकता है कि नहीं, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और आपको क्या लगता है मेरे को ये भी कमेंट में जरूर बताना। और यार आप सपोर्ट बनाओ, समझ रहे हो गाइस? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, वरना नाले बा आपको भी लिखना पड़ेगा, यानी कल आना, समझ रहे हो ना?